और उधर अलीगढ़ में गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल अब गोबर गैस बनाने में किया जाएगा और इसका ट्रायल विभाग ने पूरा भी कर लिया है। गोबर गैस का इस्तेमाल स्कूलों में मिड डे मील बनाने में किया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। गोबर गैस से पकेगा मिड डे मील, अलीगढ़ में स्कूल तक बिछेगी पाइपलाइन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल अब गोबर गैस बनाने में किया जाएगा, इसका ट्रायल विभाग ने पूरा कर लिया है। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसे दूर कर दिया जा रहा है, फिर भी इस प्लांट से हर दिन करीब 150 से 170 घन मीटर गैस का उत्पादन होगा, जिसके लिए 1 टन गोबर की जरूरत होगी। और जब गैस बनने लगेगी तो इसका प्रयोग सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने में किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जो गोवर्धन योजना के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत शासन से बजट अलॉट हुआ था और उसके तहत चंडौस ब्लॉक के नगला राजू गांव में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है। ओवर नगला राजू में स्थापित गोबर गैस प्लांट में 85-85 घन मीटर के 2 यूनिट बनाए गए हैं। दावा किया जा रहा कि इससे 1 महीने में तकरीबन 5100 मीटर गैस का उत्पादन होगा। गाँव में स्थापित गोबर गैस प्लांट के नजदीक परिषद विद्यालय के लगभग 200 बच्चों का हर दिन MDM यानी मिड डे मील के तहत खाना पकाया जाएगा। इससे ईंधन की बचत और गोबर का सदुपयोग होगा। इसके लिए गौशाला से विद्यालय तक लगभग 800 मीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे गैस स्कूल के रसोई तक पहुंच सके। उस बायोगैस के जनरेशन के बाद उसका क्या क्या उपयोग संभव हो सकता है, उस क्रम में वहाँ पे गाँव में हमने कुछ परिवार चिन्हित किए हैं जिनके घरों तक पाइपलाइन वहाँ पे डाली जा चुकी है। साथ ही वहाँ के नज़दीकी प्राइमरी स्कूल को भी हमने इसमें जोड़ा है। और जैसा कि मिड डे मील में गैस की आवश्यकता होती है, तो जो खाना पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होगी वो बायोगैस की सप्लाई हम लोग वहाँ पर देंगे। गोबर गैस प्लांट से गैस तो बनेगी ही, गोबर के अपशिष्ट से जैविक खाद भी तैयार किया जाएगा, जिसे किसानों को बेचा जाएगा और अतिरिक्त आय की जाएगी, जिससे फायदा ही फायदा है। प्रदूषण तो दूर होगा ही, साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। देखिए, यूपी के मदरसों के सर्वे का काम शुरू होते ही तमाम जिलों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एक मुस्लिम संगठन ने अल्टीमेटम दे डाला है और इसने चेतावनी दी है कि अगर सर्वे में शामिल अफसर मदरसों के मौलवियों के साथ अभद्रता करेंगे तो मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे और कानून व्यवस्था खराब होने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। इस बीच सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे पर एक्शन की खबर भी चर्चा में है। अमेठी में ऐसे एक मदरसे को गिरा भी दिया गया। सर्वे वाली टीमों का गठन हो चुका है और टीमें जमीन पर उतर आई है। ये है अलीगढ़ के जौहर बाग में बना माइनॉरिटी मदरसा फैजान मुस्तफा। वैसे तो ये मदरसा 5वीं तक मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिर भी आगे की क्लास यहाँ चलती है। अब टीम ने सर्वे के दौरान इस मदरसे की सुविधाएं देखी, आय का स्रोत पूछा और तमाम जरूरी जानकारी ली। यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लेटरिन बाथरूम है, और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, यह सब पूरी डिटेल मालूम की है। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। फैजानी मुस्तफ़ा जोहराबाग में, मदरसे का नाम है फैजानी मुस्तफ़ा जोहराबाग, अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40x70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। सर्वे की एक तस्वीर सहारनपुर से भी आई। यहां देवबंद में SDM ने अल्पसंख्यक राजस्व और शिक्षा विभाग की टीम के साथ मदरसों का सर्वे किया, जानकारी जुटाई। इस दौरान मदरसों की तरफ से भी सर्वे में सहयोग किया गया। अब DM को सौंपने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये अशरफिया मदरसा है और जो है देवबंद में है, और जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था कि शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने सभी गैर मान्यता मदरसों के लिए जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। उसमें एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और SDM है। तो इसमें जो है तीनों विभागों की टीम जो है जाँच करेगी और जो है जो रिपोर्ट है 12 बिंदुओं की, एक निर्धारित प्रारूप बना के दिया गया है, उसी पे सूचना एकत्रित करके
जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। पश्चिम हो या पूरब, सर्वे हर जगह शुरू हो चुका है। आजमगढ़ में भी डीएम ने जिस 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। मदरसा किस जमीन पर बना है, कौन फंडिंग कर रहा है, हर बात की बारीकी से जांच हो रही है। सवाल ये भी है कि इस सर्वे को लेकर मदरसा चलाने वालों के मन में क्या है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा आगरा के ताजगंज में चलने वाले मदरसे में पहुंचा। यहाँ भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस सर्वे की तारीफ की, यानी जिस सर्वे को नेता छोटा एनआरसी बता रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत बदली बदली दिखाई दे रही है। हालांकि इस सर्वे को लेकर सियासत दोनों तरफ से हो रही है। पूज्य महाराज जी हर चीज बहुत बारीकी से सोचते हैं। अगर महाराज जी का डिसीजन है कि अगर कोई इलीगल मदरसे चल रहे हैं, अगर महाराज जी का चल रहा है कि अगर इलीगल कोई भी है, देखिए जहां भी कोई चीज इलीगल होगी याद रखिएगा वहां पर इलीगल एक्टिविटी होगी। मदरसों के सर्वे को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं हो रहा। तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने धमकी दे डाली कि मौलवियों से कोई गलत व्यवहार हुआ तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन होगा। मुझे ये भी कहना है कि अगर सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा, और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो दूसरी तरफ अमेठी में प्रशासन के एक्शन की बड़ी तस्वीर दिखाई दी। यहाँ चारागाह की बेशकीमती जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। अब चुभने वाला सवाल ये है कि यूपी में ऐसे कितने मदरसे हैं जो अवैध जमीन पर बने हैं, और क्या सर्वे पूरा होने के बाद इसका एक बड़ा डेटा भी सामने आएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।